Hello, dear students. Let's see the question. What happens if bone of frog is kept in dilute HCl? बड़ा ये अटपटा क्वेश्चन है. तो अगर आप फ्रॉग की हड्डी को रख देंगे डाइल्यूट HCl में तो क्या हो जाएगा? विल बिकम फ्लेक्सिबल, विल टर्न ब्लैक, विल ब्रेक इन टू पीसेज या फिर विल श्रिंक. तो इससे हमें समझते हैं कि हड्डियां बनी किस चीज की होती है. सो हड्डियां में होता है कैल्शियम फॉस्फेट. ओके, सो कैल्शियम फॉस्फेट एक सॉल्ट है. ओके, सो अब क्या होगा कि जब आप इसको डिसॉल्व कर देंगे इसमें, मतलब HCl के साथ जब आप डिसॉल्व कर देंगे तो ये मतलब मिला देंगे तो क्या होगा, डाइल्यूट HCl के साथ ये जो सॉल्ट है ना ये डिसॉल्व हो जाएगी और यही सॉल्ट इसको हार्डनेस देती है. तो जब ये सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगी ना तो हड्डी आपकी हो जाएगी बड़ी फ्लेक्सिबल यानी लचीली. ब्लैक नहीं होगा, श्रिंक नहीं होगा, टुकड़ों में टूट नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, आप उसको तोड़ नहीं रहे हो. सॉल्ट की कमी हो जाएगी तो इसलिए लचीली हो सकती है यहाँ पर. अगर ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती तो फिर भी थोड़ा अंदर से ब्रिटल हो सकती थी, बट यहाँ पे आप सॉल्ट को थोड़ा कम कर रहे हो तो वो एकदम टुकड़ों में नहीं टूट जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सो बेस्ट ऑफ लक.